तो फिर लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। ये है कि वो ये सोच डेवलप करें अपने, और आप सही ट्रैक पे हैं, मेरा मिशन है। ये खान साहब 110 एमए पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उससे पहले आप एमपीए भी रह चुके हैं शोरपुर में, और अल्लाह ताला आपको कामयाब कराए 110 में। आप आवाम के लिए बाद असम्बली में बैठक क्या के लिए करना है शोरपुर के बाद? देखिए सर, जो हालात ये किस्म का पसमंदा है, और इसमें मैं गुजारिश करूं कि जो सवाल भी नुमाइंदे जाते हैं वो सिर्फ अपने बारे में ना, कि हमने कैसे करना है, कैसे चलाना है, अपनी जात के बारे में जब हम सोचना सियासी नुमाइंदा शुरू कर देगा ना, तो फिर लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर आप इलाका इलाके का सोचें, यहाँ की अब जितने भी सवाम जो लड़ रहे हैं, अब जिसे अल्लाह इज्जत दे, गुजारिश ये है कि वो ये सोच डेवलप करे अपने, कि उसने इलाके की क्या क्या प्रॉब्लम, इनकी हमने बेहतरी किस तरह करनी है और लोगों के हालात किस तरह। आई एम सॉरी टू से, लोग इस वक्त बड़ी मुसीबत, माशाल्लाह आप खुद जानते हैं क्या हालात है, उसको हम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे तो वो उस पर थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से तो अल्लाह दीन का जवाब तो किसी के पास भी नहीं कि फौरी ये करेंगे तो वो, मगर उस राह पे एक लाइन आपका अगर पॉजिटिव सोच है और आप सही ट्रैक पे है, तो मैं समझता हूँ कि ये हालात बेहतर हो सकते। अगर ट्रैक और अगर हमारा प्रोग्राम वही है, लूट मार करें, जो आए वो खाने पीने पे लग जाए, अपनी अपने बारे में रखो, लोगों के बारे में सोचो कि पब्लिक को हमने उनकी बेहतरी कैसे, उनकी गुर्बत कैसे। कैंडिडेट इधर आए हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद अवाम को लॉलीपॉप दिए, वो बाद में गैब हो गए, कभी आज तक नहीं। क्या आप भी इस गांव में रहकर जीतकर ऐसे ही करेंगे? देखें, मेरा मिशन, मैं आज आप मेरे अजीज बैठे हो, मेरा मिशन मेरा ये है कि जो इस वक्त बुराई है, मैं आपको गुजारिश पहले की है, मैं लोगों को यही बता कि आपके पास दो रास्ते, एक बुराई का रास्ता, करप्शन का रास्ता, दो नंबरी का रास्ता, ऐसी सियासत का रास्ता जो सिर्फ जाती तौर पे अपने मफाद दे और वो अपने लिए सोचे। दूसरी तरफ हमारा जो ट्रैक है, हमारे बुजुर्गों का या मेरा, हमारा ट्रैक ये था कि मेरिट पे काम करें, लोगों की बेहतरी करें, करप्शन को कंट्रोल करें। देखिए सर, मैं गुजारिश करूं, अगर आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो आप लोगों की खिदमत भी नहीं कर सकते, कोई आपकी इंतजामिया भी कोई नहीं सुनेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, वो कहेगा ये करप्ट बंदा है, इस बंदे ने तो अपने बारे में सोचना है ना, वो जाएगा अपने बारे में सोचेगा, हर कोई अपने बारे में, आपके जो इंतजामिया वो भी अपने बारे में सोचना शुरू कर देगी। अब हम मैं एमपीए रहा हूं, उस दौर में यकीन करें, जो मैं अब के देखता हूं, जो एमपीए हैं या एमएनएस हैं, अभी भी देखता हूं, उस वक्त पहले थे, यकीन करें कोई एक लाइन थी, एक तरीकाकार था, उनमें वजहदारी थी, अफसर ऑफिसर्स के पास जाते थे, लोगों के मसाइल कहते थे, उनके काम होते थे। अब काम ना होने की वजह करप्शन है। जब आप अपना करेक्टर ही नहीं, आपका कोई किरदार ही नहीं होगा सर, तो आप किस तरीके से दूसरे को समझा सकते हैं? आप तभी दूसरे को समझा सकते हैं ना, आप खुद ठीक है, अगर आप ठीक होंगे ना, आप पे कोई उंगली भी नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्ग खान आरिफ खान रहे हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं एमपी रहा हूं, एक टैडी पैसे रुपए की कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता। जिससे कर देखे ना, हर चीज जब एक में बताऊंगा, बंदे का पता तब चलता है। अब ये जो कैंडिडेट बाकी लड़ रहे हैं, जब इक्तदार आता है ना, फिर पता चलता है, पावर आए ना जी, जब आपके पास पावर आएगी तो आपका पता चले जाएगा आप करप्शन कर रहे हैं या अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। अगर इक्तदार नहीं आता, वैसे तो सारे भाग रहे हैं, उनके पास इक्तदार आया ही नहीं, जब आएगा फिर मैं देखूंगा कैसे चलते हैं। हम माशाल्लाह मशहूर सियासतदान है, खानदान आपका पूरा सियासत में है, जल्दी पूछती आप खानदान से सियासत से रुझू रखते हैं। शोरपुर के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? शोरपुर कैंट में सीवरी का निजाम गर्म भरम है, पानी का निजाम नहीं, जो भी कैंडिडेट जीतता है शोरपुर कैंट में बाद में आना ही रास्ता ही, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये जो 8 को इलेक्शन हो रहा है, हमारे इलाके खासों में, अपने इलाके की बात करूंगा, कि शोरपुर कम अज कम ये सोच के आपने फैसला करना है कि किस बंदे को आपने ला, खुदारा अगर आप गलत बंदे को ले आएंगे तो फिर आप पे वो मुसल्लत हो जाएगा, फिर यही प्रॉब्लम फिर रहेगी। आप ऐसा करें, ये सोचें आप, मैं लोगों पे सोचूं, आप खुद देखें कौन करप्ट है, कौन दो नंबर है, कौन गलत चक्कर देता है, कौन फ्रॉड करता है, कौन किस लाइन पे खड़ा है। और देखिए मैं एक बात, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी करप्शन की शौकीन है ना, उनके जो नुमाइंदे होंगे वो उनसे भी बढ़ के करप्शन, ऊपर से अगर कंट्रोल नहीं करेंगी पार्टी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी से कंट्रोल करती है, पीएमएलएन कंट्रोल करेगी, जो अपने केसों के लिए आई हुई है,
अपने केस इसने कर लिए, लोगों की तबाही कर दी। पीपल पार्टी ने वो भी इसी तरह अपने मकसद अपने मसले लोगों के लिए क्या कर रहे हैं भाई, हमें बताएं। आप लोगों को पता, आप लोग माशाल्लाह बेहतर मुशाहिदा कर सकते हैं इस चीज का, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो मैं यही गुजारिश करूंगा ये लोगों में, अगर देखिए माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनको शऊर आ चुका है, लोगों को सारी समझ, जो आप डिसीजन लेंगे ना तो आप सोच के, अगर अभी भी आपने डिसीजन लेने हैं जो पहले लेते रहे हैं तो ऐसा ही होगा, फिर तो यही हालात रहेंगे, ये हालात तब्दील नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता किसी जिसको भी वोट दे, यार सोच के दो यार, इस तरह ना दो के जनाब उसने कह दिया या उसने कह दिया, खुद सोचो, अंदर जाते हो ना, अंदर तो मालिक अल्लाह को हजर नजर जान के अंदर जाते हो ना वोट डालने, उससे सोचो कि मैंने क्या कर। तो ये सर फैसला वहां हमारे, अब जो भी कैंडिडेट्स वहां है या इलेक्शन देखेंगे हुकूमत, ये हुकूमत वक्त तो अब इलेक्शन करा रही है ना, निगरान बैठे हैं ना सारे, निगरान तो इलेक्शन ही करा सकते हैं ना, तो आगे सोचना पब्लिक ने। अगर पब्लिक मेरे भाई गलत फैसला करेगी तो खुद भुगतेगी, अगर सही फैसला कर जाएंगे तो हर चीज बेहतर हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी कसौटी है और उनके लिए पब्लिक के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो एक आपको चांस मिल रहा है तो आपको हुकूमत वक्त इलेक्शन करा रहे हैं आपको, तो आप उसमें एक तो हिस्सा लें, भरपूर हिस्सा लें, और अपनी मर्जी के बंदे को जो है ना उसको इलेक्शन